तो देखो बात क्या है ना, मेरे को एक 16 साल के लड़के के डीएम आया। उसने मुझे कहा था कि मेरे जो स्किन है उस पर बहुत ज़्यादा एक्ने। वो कहता कि मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जो है वो बस मेरा एक्ने है, मेरे को और कुछ उससे मतलब कुछ ज़्यादा लेन देन नहीं लगती अपने चेहरे से, लेकिन जो एक्ने है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्ने है कि हद से ज़्यादा, वो जा ही नहीं सकता, तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ अगर बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा है, उतना चेहरे पर नहीं फैला हुआ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में मैं तुम्हें सीधा 5 सिंपल स्टेप्स समझाने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा एक्ने लिटरली चले जाने वाला है। मैं तुम्हें रैंडमाइज चीज़ें नहीं बोलने वाला कि अपने मुंह को धोओ, साबुन लगाओ, मैं ये कुछ नहीं बोलने वाला। मैं तुम्हें रियल टिप्स दूंगा जो तुम एक्चुअली में फॉलो कर सकते हो। बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करते और सीधा बात पे आते हैं। पहला पॉइंट, मेकअप यूज़ करना बंद कर दो अगर करते हो ना। ऑफ कोर्स लड़के नहीं करते हैं, लेकिन तुम क्या पता लड़की भी हो, या फिर अगर लड़के होके भी करते हो तो यूज़ करना बंद कर। ये जो हैवी मेकअप होता है तुम्हारी स्किन को कितना ज़्यादा डैमेज करता है, ये तुम्हें शॉर्ट टर्म में अच्छा दिखाएगा, लॉन्ग टर्म में लिटरली तुम्हारे चेहरे को एकदम बेकार करने वाला है। ये तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल भी एकदम अगली दिखाने वाला है। जैसे तुम अपनी एज के आगे जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स वगैरह आने लग जाएंगे, और मतलब उस टाइम तुम रिग्रेट करोगे, यार काश मतलब इतना मेकअप नहीं लगाया होता। ये देखो बात ये है, अगर तुम्हें अभी अपने आप को बेटर करना है तुम कर सकते हो, अभी तुम मेकअप लगा के अच्छे लग सकते हो, लेकिन बाद में तुम इतने बुरे लगोगे ना। और वो बाद में ही बात भी क्या है, तुम ऐसे मेकअप यूज़ करते हो वो भी तुम्हारे चेहरे का अनहेल्दी है। तो ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ जाओ, इन सबको यूज़ मत करो। सेकंड चीज़ मैं वो जो बोलने वाला हूँ, हाइड्रेट रहो। मैं ना बेट लगा के बोल सकता हूँ, तुम जो अभी वीडियो देख रहे हो वो अभी डिहाइड्रेटेड है। तो अगर तुम अपनी स्किन को बेटर रखना है, अभी के अभी पानी देखो, तुम्हें पता भी नहीं है जो पानी है तुम्हारे मतलब पूरी बॉडी के लिए, खासकर तुम्हारे लिप्स और तुम्हारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिप्स के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्किन के लिए भी, और ये एकदम फेयरली रेटेड है। इसको जितना भी बोलते हैं ना कि यार पानी पिया करो, तुम्हें सुनने में ओवररेटेड लगेगा, लेकिन ये तुम्हारी स्किन के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छा है। तुम्हारी स्किन ड्राई रहेगी, तुम्हारी स्किन में वो ग्लो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम पानी नहीं पीते हो पूरा। मैं रेकमेंड करूँगा कम से कम जहाँ तुम बेड पे बैठते हो, अपने टेबल पे बैठते हो, कम से कम 2 बोतल एक मतलब अपने पास ही रखो, और मतलब तुम्हें जब भी प्यास लगे पी लो, और कभी ओवर ड्रिंक मत करना। ओवर ड्रिंक की तुम्हारे पेट में तुम्हें कुछ होने लगे, उतना ज़्यादा मत पीना, उतना ही पीना जितनी प्यास हो। कभार अगर पूरे दिन पानी नहीं पिया तो फोर्स करो अपने आप को पानी पीने के लिए। उठो बेड से, उठ के बोतल लाओ। ये तुम अगर तुम वाटर ट्रैकर यूज़ करोगे, इन मोस्ट केसेस वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मुश्किल से 1-2 दिन के लिए काम करेगा। लॉन्ग टर्म में जो काम करता है वो है कि एक मग सा रख लो पानी का, या 1-2 बॉटलें रख लो। सन प्रोटेक्शन, हाँ मेरे को पता है यार जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो गे होते हैं। भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारी स्किन की ऐसे इतनी मतलब इतनी घटिया हालत होगी ना जब तुम एज करोगे, फिर तुम्हारे ये जो मीम्स है ये रहने ही वाले हैं। सनस्क्रीन लगाओ या अपना फेस प्रोटेक्ट करो। अगर तुम बाहर देख रहे होते हो मतलब औरतों को, वो अपने पूरा फेस प्रोटेक्ट करते हैं, तुम सोचते हो यार इतनी गर्मी है क्या कर रहे हैं, कोई फ़ायदा थोड़ी होने वाला है, मेरे को देखो यार मैं मर्द हूँ, मैं सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं करता, मैं अपने फेस को भी कवर नहीं करता, मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार, मैं कितना कूल हूँ। तुम्हारी जो स्किन की हालत होगी, तुम्हारे स्किन कैंसर का चांस भी बढ़ सकता है इस पर। एक सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो जो एटलीस्ट SPF 30 हो। इस पर और रिसर्च करके एक सनस्क्रीन तो लगाकर ही बाहर जाओ। फोर्थ है, अपनी डाइट ठीक करो। देखो डाइट जो है ना एटलीस्ट 70% पे आ गई। तो बहुत ज़्यादा डेयरी खाते हो ना, तो इसका भी चांस होता है कि तुम्हें एक्ने हो, बहुत बड़ा चांस होता है एक्चुअली। और अगर तुम प्रोसेस चीज़ें खाते हो इसका भी बहुत बड़ा चांसेस है। नाउ देखो मेरे को तो पता है कि यार तुम एक इंडियन हो और तुम क्या बोलते हैं डेयरी को क्विट नहीं कर सकते हो, तो डेयरी रहने दो। तुम बाहर का कुछ भी जो प्रोसेस्ड है वो खाना बंद कर दो, उसको बिल्कुल भी मत खाओ। तुम्हें अपनी स्किन से थोड़ा भी लगा हुआ उसे मत खाओ, वो डेयरी से ज़्यादा फक कर सकता है तुम्हारी स्किन को। अच्छी डाइट पर रहो जो कि बैलेंस्ड हो। स्लीप एंड होममेड रेमेडीज। नाउ होममेड रेमेडीज में क्या आता है, लिटरली बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे इजी वे क्या है फाइंड करने का, अपनी मदर के पास जाओ और उनको बोलो कि यार मेरे ना फेस पे बहुत सारे दाने हैं, मेरे को इसको ठीक करना, आप कुछ कहो। बड़ी सारी चीज़ें, अगर तुम्हारी मदर नहीं है या फिर उनको नहीं पता इन सब के बारे में, एक 100% प्योर बीटरूट का डब्बा खरीदो जिसमें एक्चुअल बीटरूट ना हो, बीटरूट पाउडर हो, और उसे पानी में मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाओ 15-20 मिनट तक, और फिर उसे धो लो। हफ्ते में 2 बार ही करना, या जितना भी तुम्हारा मन करे। और स्लीप के साथ में एक और चीज़ जोड़ दूँ, स्ट्रेस मत करो। देखो स्ट्रेस तुम्हें एज कर सकता है, और ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो स्लीप है ना ये बहुत कॉमन साउंड कर रही होगी, और मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था मैं कॉमन चीज़ें नहीं बोलने वाला। तो देखो बात ये है ना,
ये जितनी भी कॉमन लगे तुम ये करते नहीं हो। तुम 1000 वीडियोस में तुम्हें बोलेंगे यार अच्छे से सोया करो, तुम नहीं सोओगे यार। मुझे पता है आप सबका, कोई नहीं सोता है आजकल के लाइफस्टाइल में। लेकिन यार तुम्हें स्किन अगर ठीक करनी है तो सो, नहीं करनी तो जगे रहो। कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, तुम्हारा गोल है, तुम्हें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर तुम नहीं लगाओगे तो और कौन लगाएगा। मेडिटेशन करो, योगा करो, जिससे तुम्हारी स्लीप बेटर हो, थोड़ी अच्छी आए, और या फिर तुम हेल्दी भी रहो। ये सारी चीज़ें तुम्हारी स्किन पे कंट्रीब्यूट करेगी। तो देखो मैं अगर रिकैप दे दूँ ना, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा करने वाली है वो तुम्हारी डाइट होगी, उसके बाद तुम्हारा हाइड्रेशन होगा, उसके बाद जो तुम बाहर तुम्हारे वो मुंह पे जो सन पड़ता है उसको ठीक करो, और बाकी अपना वो क्या बोलते हैं मेकअप लगाना बंद कर दो। कुछ भी ऐसी केमिकल्स वाली चीज़ें अपने स्किन से दूर ही रखो अगर तुम्हें प्यारी है थोड़ी भी। तो आई होप तुम सबको पता चला हो, अगर पता चला है अपनी स्किन को बेटर करो। और आई होप वो बंदा जो भी था जिसने मेरे को वो मैसेज किया था उसकी भी स्किन बेटर हो। बाय।